हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, आज आज मैं मैं इस इस वीडियो वीडियो में में आपको आपको बताने बताने वाला वाला हूँ हूँ हाउ हाउ टू टू अनलॉक अनलॉक अ अ न्यू न्यू एजेंट एजेंट इन इन द द वैलोरेंट गेम। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं डॉक्टर केडी गेमिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखो, क्योंकि मैं लाइव आता रहता हूँ, गेम्स खेलता रहता हूँ लाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये एजेंट अनलॉक कर दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ मिलेंगे ब्रिमस्टोन, जेट, फिनिक्स, सेज और सोवा। ये पांच अनलॉक रहते हैं पहले से। आप जैसे खेलते जाते हो तब आप इजीली न्यू टू एजेंट्स ओपन कर सकते हो कभी भी, ओनली स्टार्टिंग में ही टू। तो मैंने ये साइफर और ओवेन अनलॉक कर दिया था। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने दो चैप्टर इसके मोस्टली ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। दो टीयर के लिए मेरा सिर्फ 93,950 एक्सपी ही बाकी रह गया है फॉर दिस डेट का। और साइफर का भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट बहुत कंप्लीट कर दिया है, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। और अभी अपन बात करते हैं न्यू एजेंट अनलॉक की। तो जैसे कि अब हमको करना है रेस को अनलॉक। तो इधर लिखा है एक्टिवेट दिस एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट टू अनलॉक द एजेंट फॉर प्ले एज वेल एज एजेंट स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स। तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये अनलॉक कर लिया है तो लिख के आ गया है दिस एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट इज एक्टिवेट प्ले गेम्स टू अनलॉक रिवॉर्ड्स। अभी हम इसका रिवॉर्ड देख लेते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी। तो आपको पता ही होगा हर एक एजेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट में दो चैप्टर्स होते हैं और हर एक चैप्टर में पांच टीयर्स। एक टीयर आपको लगता है 20,000 एक्सपी पॉइंट्स का। आपको ये पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे बाय प्लेइंग गेम्स, और आप डायरेक्ट ऐसे परचेज भी कर सकते हो, पर उसके लिए लगेंगे रुपए। और अगर आपको ये सारे एक्सपी कलेक्ट करना है तो आप ये मिशंस पार कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये पार ये कंप्लीट कर दिया है, यू और योर एलाई प्लांट और डिफ्यूज स्पाइक्स। तो मैंने 30 में 30 कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे 6,750 एक्सपीज मिल गए। ऐसे आप सारे मिशंस कंप्लीट करो और हर एक गेम आप जो भी खेलोगे कॉम्पिटिटिव या अनरेटेड, उसमें कम से कम आपको 100 एक्सपी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमको इधर एजेंट अनलॉक करने के लिए सारे ये पांच चारों टीयर कंप्लीट करने पड़ेंगे, पांचों सॉरी, उसके बाद ही नया एजेंट कंप्लीट होगा। थोड़ा हार्ड है पर ग्रेड करना पड़ेगा। और ये अनलॉक करने के टाइम आप ये एजेंट यूज़ नहीं कर पाओगे इन गेम, सिर्फ आपके अनलॉक्ड एजेंट्स ही आप यूज़ कर पाओगे। जैसे ही आपके ये पांच टीयर कंप्लीट होंगे उसके बाद ही आप इस एजेंट के साथ कोई भी गेम खेल सकोगे, तो ये ध्यान रखना। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और शेयर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। और मैं ऐसे ही लाइव स्ट्रीम्स करता रहता हूँ, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखो। See you later.